बहुत अच्छी लगी। और आपको सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, या। ओके, आपको गाना कैसा लगा? गाने भी बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड। और अजय देवगन का भी एक्टिंग बहुत अच्छा है। आप कितने स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 4 स्टार। 4 स्टार। आपको मूवी कैसी लगी? मूवी काफी अच्छी है, मतलब की आलिया भट्ट से जो एक्सपेक्ट किया था बंदी ने उसे ही काम किया बहुत अच्छी तरीके से। सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी थी? परफॉर्मेंस आलिया भट्ट, आलिया भट्ट गंगूबाई का। ये मतलब कुछ डिफरेंट ही दिखाने की कोशिश की गई है जिनसे जो असलियत है काठवाड़ जैसे प्रोस्टिट्यूट की उसको असलियत में इसको दिखाने की कोशिश की गई, तो उसमें क्या कहना है? देखिए इसमें जो मूवी जैसे ये तो रियलिटी दिखाया गया, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था कमाटीपुड़ा में जैसे गंगूबाई का जो रोल था, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। संजय लीला भंसाली की जितनी पिछली फिल्में होती हैं उनकी उससे अच्छा बोल सकते हैं, मतलब कि उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, इस मूवी में भी काफ़ी अच्छी है। और आलिया से जो मतलब कि जब इनका ट्रेलर आ रहा था लोगों का रिएक्शन ये था कि आलिया बच्ची दिख रही है वो नहीं कर पाएगी, लेकिन आप देखो आके मूवी समझ में आएगा कि आलिया ने क्या किया, सुपर काम किया बंदी ने। गाना कैसा है? गाने कुछ खास नहीं है, सेकेंड हाफ में एक गाना है जो कि नवरात्रि पे होती है, वो सॉन्ग अच्छा है, मेरे को थोड़ा याद नहीं है, लेकिन सॉन्ग ज़्यादा नहीं है, दो ही सॉन्ग हैं अच्छे हैं। आप कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी को? मैं 4 स्टार दूंगा। सर आपको गंगूबाई काठे वाली मूवी कैसी लगी? ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा था? नो डाउट वन साइड है, नारी प्रधान है और आलिया भट्ट ही छाई हुई है, इनफैक्ट अजय देव का भी रोल बढ़िया है, अच्छा है। इस मूवी को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? स्टार तो टॉपिक कुछ हटके है, जल्दी सबको पच नहीं पाएगा, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है और फिर भी 4.5 मुझे अच्छी लगी। जिस तरह मतलब भोली वाली लड़कियों को लाके बेच दिया जाता है, लोगों को मालूम नहीं रहता कि लड़कियों के साथ होता क्या एक्चुअली, तो कहानी दिखाई तो मुझे फिल्म अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी थी? किसने सबसे ज़्यादा इस मूवी में परफॉर्म किया? परफॉर्म तो आलिया ने ज़्यादा किया, लेकिन ठीक थी एक्टिंग उसकी भी, अजय देवगन की भी एक्टिंग अच्छी है, रहीम लाला का रोल। आप इस मूवी को कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं 3 स्टार।
पिक्चर बहुत अच्छी लगी एंड आई मस्ट से कि आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक 2 या 3 बार देखना चाहिए. एंड बेसिकली दिस इज़ द राइट ऑफ द वुमेन एंड एवरी वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जो अपने हक के लिए वो लड़ती है, सो इट शुड बी द सेम वे फॉर एवरी वन. एंड आज भी अगर शायद वो एरिया में कोई जाता है, सो इट्स द सेम वे. आई थिंक पीपल सीज दैट वे टू द गर्ल्स और द वुमेन्स. एंड द रोल ऑफ एवरी वन वॉज द सुपर्ब. एंड जस्ट आई वुड से कि अजय देवगन की जगह आई थिंक संजय दत्त वुड बी सूटेड मोस्ट बिकॉज ही सूट्स इन दिस टाइप ऑफ रोल्स. कितना आई वुड गिव 5 स्टार एंड आई वॉच इट अगेन ऑन द संडे. कैसी लगी फिल्म? बहुत ही अच्छी थी. बहुत ही कुछ सीखने को मिला इसमें, लाइक अबाउट नज़रिया, हाउ टू लुक एट वुमेन बेसिकली, एंड किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, सबको समझ के लेना. किसके कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छे लगे? ऑब्वियसली आलिया भट्ट जो गंगू बॉय कैरेक्टर है. सॉन्ग कैसे मूवी? हाँ जी, सॉन्ग गाने वो जो गाना है मेरी जान, मैं तो फिल्म के बीच में वो गाना, आई वॉज जस्ट सिंगिंग इट बाय माय सेल्फ, मेरी जान मेरी जान मेरी जान. आप कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी? इट्स अ फाइव स्टार, लाइक एवरीवन शुड वॉच. अभी हुआ क्या ना, OTT प्लेटफॉर्म ने हमें इतना बिगाड़ा है कि हम ना जो सीन अच्छी होती है उसको हम रिवाइंड करके देखते हैं. तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब OTT पे भी आएगी, क्योंकि आई एम अगेन गोइंग टू वॉच दिस नाउ. मैं फिर से देखने वाला हूँ. या प्लेजर. गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी बहुत अच्छी लगी. गंगूबाई की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया है. जैसे कि गंगूबाई काठियावाड़ी प्रोस्टिट्यूट को बनाया गया है, हाँ. उसकी कहानी है कुछ अलग ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाया गया है. देखिए हाँ, है प्रोस्टिट्यूट पर डिपेंडेंट है वो कमाटी, पूरा एरिया जो बदनाम है उस पर ये मूवी बनी है, हाँ. अब सबको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन अलग से हटकर एक विषय लिया गया है और संजय लीला भंसाली इस चीज़ में माहिर है. उस वक़्त जो सीनरी थी और जो सिनेमा हॉल थे और जो माहौल था वो हूबहू उन्होंने प्रदर्शन किया. आज इस पिक्चर को कितना स्टार देना चाहिए? स्टार वाइज इनको मैं 4 स्टार दे सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर में थोड़ी पकड़ है. इंटरटेनमेंट बोल के, इंटरटेनमेंट नहीं है, एक तरह का बायोग्राफी है. Thank you.